दूसरा दोस्तों मेरा नाम बदल सकता है, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आपको वेस्ट बंगाल इलेक्शन का खेला हुए स्लोगन जरूर याद होगा और साथ ही साथ ममता बनर्जी की फुटबॉल भी याद होगी जो कहीं कई ज्यादा स्टेजेस से प्लेटफॉर्म से लोगों को दिखाती हुई मिली थी इलेक्शन की कैंपेन के दौरान। अभी हाल ही में टीएमसी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि हम 16th of August 2021 को खेला होबे दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे जो स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है, ये जितने भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं, जितने फुटबॉल क्लब हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे, फुटबॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और स्टेट में जो फुटबॉल एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स माना जाता है उसको गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे देगी। लेकिन बीजेपी का मानना है कि ये जो खेला होबे दिवस है ये 16th अगस्त को इसलिए रखा गया है क्योंकि 16th अगस्त को मुस्लिम लीग का 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया था। ये जो पूरा का पूरा खेला होबे दिवस टीएमसी गवर्नमेंट, ममता गवर्नमेंट सेलिब्रेट करना चाह रही है, ये कोई भी स्पोर्ट्स हिस्टोरिक मूवमेंट नहीं है, ये एक तरह से मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के ट्वीट जो हैं बीजेपी से आने लग गए कि ये मुस्लिम लीग के एक डायरेक्ट एक्शन डे को रीसेलिब्रेट किया जा रहा है रादर देन किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये खेला होबे दिवस और क्या हुआ था उस डायरेक्ट एक्शन डे में 1946 में। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हैं, एक मंथली कंट्रीब्यूशन के साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हमारा करंट अफेयर्स हमेशा आपके लिए फ्री रहेगा। स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं, मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @kapillive से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @kapilsik का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन क्या है खेला होबे दिवस का। बांग्लादेश की अवामी लीग के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे शमीम ओस्मान, उन्होंने कुछ साल पहले ये खेला होबे टर्म जो है बहुत ज्यादा प्रोनाउंस, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर दिया था। इसको बाद में पॉपुलराइज किया गया वेस्ट बंगाल में टीएमसी द्वारा। टीएमसी के एक प्रेसिडेंट थे अनुव्रता मंडल, उन्होंने एक लोकल पॉलिटिकल इवेंट में इस स्लोगन को बार बार दोहराया था, खेला होबे, भयंकर खेला होबे और अमितित खेला होबे, यानी गेम इज ऑन, इट विल बी डेंजरस गेम बट गेम इज ऑन एंड दिस विल बी द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे ये जो खेला होबे था ये पॉलिटिकल खेला की बात हो रही थी, पॉलिटिकल गेम की बात हो रही थी जो टीएमसी या वेस्ट बंगाल में उस समय की सिटिंग गवर्नमेंट वापस से इलेक्शन में जीतना चाह रही थी। अब यहाँ पे 16 अगस्त को इसलिए ममता गवर्नमेंट ने 16 अगस्त इसलिए रखा है क्योंकि 16 अगस्त 1980 में कुछ 16 लोग जो है उनकी लाइफ चली गई थी एक स्टैम्पीड में, एक भगदड़ में, आइकॉनिक ईडन गार्डन्स में। तो आइकॉनिक ईडन गार्डन्स में एक मैच चल रहा था, वहां पे कुछ स्टैम्पीड हुई और कुछ 16 लोग वहां पे मारे गए थे। तो उसी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए 16th of August 2021 जो है इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने, कॉमेमोरेट करने की बात की जा रही है। अब इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई जाएंगी ब्लॉक लेवल पे, म्यूनिसिपैलिटीज में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और इस तरह के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से यूथ को स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, फुटबॉल को प्रमोट किया जाएगा, इस तरह के प्रमोशन की बात की जा रही है। अगर हम स्टेप्स देखें तो यहाँ पे स्टेट स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 1 लाख से ज्यादा फुटबॉल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है, स्पोर्टिंग क्लब्स को दिया है और यूथ और स्टूडेंट्स को वहां पे बोला गया है कि आप फुटबॉल को खेलें और इस तरह की स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज हैं स्टेट में और ज्यादा बढ़ाई जाए। साथ ही साथ 303 IFA एफिलेटेड क्लब्स को लगभग 10 फुटबॉल ईच यहां पे दी जा रही है। देखो ये खेला हो गए एक तरह से स्पोर्ट्स से तो रिलेटेड है ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो खेला होबे टर्म है ये ममता बनर्जी की 2 मई की विक्ट्री को भी दर्शाता है। तो जब ममता बनर्जी अभी दिल्ली विजिट पे थी, ऑपोजिशन को यूनाइट करने में लगी हुई थी, तो इस दिल्ली विजिट में भी उन्होंने इस टर्म को फिर से यूज किया था और कहा था कि 2024 में पूरे देश में खेला होबे, यानी गेम विल बी ऑल ओवर द कंट्री इन 2024 में आपको भी पता है कि जनरल इलेक्शंस हैं और कहा जा रहा है ये वाले इलेक्शंस काफी टफ होने वाले हैं ऑपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट दोनों के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने कई मीटिंग्स की थी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ और बार बार इस टर्म को यूज किया था कि खेला जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक एवर इवॉल्विंग गेम है, पॉलिटिकल गेम है जिसे हम ऑपोजिशन जीतेंगे क्योंकि बीजेपी वीक हो चुकी है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। अब चलते हैं उस डायरेक्ट एक्शन डे में जिसको एक्यूज करके बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ एक तरह से अपीजमेंट वोट बैंक की तरह इस खेला होबे को यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात होती है मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग का थोड़ा फॉर्मेशन देख लेते हैं। दिसंबर 30, 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था। इस फॉर्मेशन से एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ था। अब इसमें एक कॉम्युनल आइडिया लाया गया था और सर सैयद अहमद खान जो थे वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एक सेपरेट नेशन की फिलॉसफी और एथॉस की बात
की थी। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो मुस्लिम लीग का पूरा कांग्रेस के साथ एक फ्रिक्शन था, ये चलता रहा और ये फ्रिक्शन समय के साथ साथ बढ़ता रहा। ब्रिटिशर्स ने भी इस फ्रिक्शन का काफी बेनिफिट लिया। अब 1906 में लगभग 3000 डेलीगेट्स से उन्होंने एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ढाका में अटेंड की और वहां पे जो पॉलिटिकल बैन था वो रिमूव किया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है फाइनली वो वर्चस्व में आई। अब यहाँ पे जो नेम है इसका प्रपोज किया था नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर और इसको सेकंड किया था हकीम अजमल खान ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने काफी लेट 1913 में इसको ज्वाइन किया और कहा जाता है उसके बाद से वो काफी इंस्ट्रूमेंटल हो गए मुस्लिम लीग के आगे बढ़ने में और साथ ही साथ पाकिस्तान एज अ नेशन की फाइनल डिमांड को कल्मिनेट करने में। अब ऑब्जेक्टिव देखो मुस्लिम लीग का यही था कि एक मुस्लिम्स के लिए एक फीलिंग हो, एक फीलिंग है एक लॉयल्टी है वो ब्रिटिशर्स की तरफ, एक पॉलिटिकल फीलिंग दिखा सके, अपने राइट्स की डिमांड कर सके और गवर्नमेंट को इन राइट्स को कन्वे कर सके, यानी एक तरह से एक पॉलिटिकल स्टेज मुस्लिम्स को मिल जाए जहां से वो अपनी बात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक रख सकते हैं। तो फाइनल बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे की। कैबिनेट मिशन प्लान ने रिकमेंड किया था एक अनडिवाइडेड इंडिया और इसको मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसको टर्न डाउन कर दिया गया था और मुस्लिम लीग का मानना था कि हमें तो सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। साथ ही साथ आपने देखा कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो भी रिस्ट्रिक्ट हुआ, इसलिए मुस्लिम लीग ने अपना जो सपोर्ट है कैबिनेट मिशन प्लान का इसको विड्रॉ कर लिया था और जिन्ना ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट एक्शन जो है उसको लॉन्च कर दिया था 16 अगस्त 1946 को और इससे जितने भी मुस्लिम्स हैं पूरे कंट्री में उनसे सारे के सारे बिजनेस जो है जिस भी तरह से वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है जो भी उनका पार्टिसिपेशन उसको सस्पेंड करने को कह दिया गया था। ये जो ऑब्जेक्ट इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था डिक्लेरेशन का इससे ये था कि हम ब्रिटिशर्स को बता दें कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए और बिना पाकिस्तान के हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये स्लोगन लड़के लेंगे पाकिस्तान भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ था, इसी के चलते एक रिटेलिएशन आया हिंदू कम्युनिटी से या हिंदू फोर्सेस से और वहां पे भी कहा गया कि हम जो है इस बार ब्रुटैलिटी से आंसर देंगे और पाकिस्तान जैसा एक देश जो है नहीं बनने देंगे। इसी के चलते हिंदू मुस्लिम जो राइट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए, जो सोशल फैब्रिक है कंट्री का वो खराब हुआ और जो राइट्स 1946 में शुरू हुए वो फाइनली आप देखेंगे कि चलते रहे इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो राइट्स जो है कैलकाटा में ब्रोक हुए, काफी लंबे समय तक चले। कैलकाटा का जो चेन रिएक्शन है मार्च 1947 आते आते पूरे देश में देखने लगा। अगर आप बॉम्बे की बात करें, ईस्टर्न बंगाल, बिहार और यूपी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब जैसे एरियाज में ये जो राइट्स हैं ये अगले 5-6 महीने तक चेन रिएक्शन की तरह चलते रहे। अब ये जो डिक्लेरेशन था डायरेक्ट एक्शन डे का, इसको जो लीग ने इसको दिया था और इसका जो विड्रॉल हुआ या इसमें जो सपोर्ट जो है विड्रॉ किया गया कैबिनेट मिशन प्लान से, यानी कैबिनेट मिशन प्लान को जो मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक जो है वो बना और फाइनली इसका रिजल्ट यही हुआ कि दो नेशन की जो थ्योरी है इसको एक्सेप्ट करना पड़ा, दो नेशन बने, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज बनी और इस तरह से 1947 में 15 अगस्त 1947 को दो अलग अलग देशों ने यहाँ पे जन्म लिया। तो इस बारे में हमें इतना ही जानना था। इस तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। यूपीएससी आईएएस प्री कमेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ studyiq.com या हमारी ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।